हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट मोदक, जो कि 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएंगे और इसे बनाने में हमें केवल 2 ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। तो चलिए फिर इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूल लेते। हाँ, मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैं 1 कप डेसिनेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने 8 से 10 पत्तियाँ केसर की ली थी, जो कि मैंने दूध में भिगा कर रखी थी। उसका दूध हम इसके अंदर डाल देंगे और पत्तियों को अलग रख लेंगे। इससे हम गार्निशिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ मैंने डाला है मिल्क मेड, यहाँ मैंने 1/2 कप मिल्क मेड लिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और अगर हमें कम लगेगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क मेड और डालेंगे। हमें इसका बिल्कुल सॉफ्ट डोर जैसा बनाना है। ये देखिए, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ थोड़ा सा और ऐड किया है और हम मैं हाथों की मदद से इसका सॉफ्ट डोर बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी देख रहे हो और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ये देखिए, अब हमारा डोर बनकर रेडी है। तो यहाँ मैंने मोदक का साँचा ले लिया है, तो इसके अंदर इस तरह हम डालेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल इसी तरह बनाए, बहुत अच्छे मोदक बनकर आएंगे। ये देखिए, अब इसे हम क्लोज़ कर देंगे और नीचे से थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें स्पेस है। और इस तरह हम डालकर इसे अच्छे से प्रेस करके बनाएंगे। मैं इसे अभी खोलकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे बनकर आएंगे। ये देखिए, ये हमारा मोदक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह हम अपने सारे मोदक बना लेंगे। तो अब मेरे ये सारे मोदक मैंने बना लिए हैं, तो अब मैं इसे गार्निशिंग करूँगी। जो हमने पत्तियाँ रखी थी केसर की, उसी से हम गार्निशिंग करेंगे। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।